वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी डिश जो छोटे से छोटे ठेले पर से लेके बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, फाइव स्टार होटल्स में मिलती है। जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ महाराष्ट्र की फेमस डिश जिसका नाम है पाव भाजी। चलिए आइए, कैसे बनाएंगे हम अपनी टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी पाव भाजी। देखिए पाव भाजी के लिए देखिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाएंगे। ये अब इसमें जाएंगे हमारी ये वेजिटेबल्स। ये है हमारा पेठा पम्पकिन जो हमने हाफ केजी लिया है। ये है हमारा टमाटो जो हमने 2 लिए हैं। और ये है हमारी 1 कैरेट गाजर जो हमने 1 स्लाइस काट ली है जिसके हमने। और ये लिया है हमने पीस मटर, हाफ कटोरी मटर लिया है। आपने हमारी वेजिटेबल्स देख ली है, अब हम इन्हें करेंगे बॉयल। चलिए आइए करते हैं बॉयल। देखिए अब हम सबसे पहले करेंगे गैस को ऑन। कुकर को होने देंगे गरम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। और इसे मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, इसे भी हम मेल्ट होने देंगे। अब मक्खन और घी मेल्ट हो चुका है। घी इसलिए डाला था ताकि मक्खन ना जले। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, उसे तड़कने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इससे क्या होगा इसमें कलर आएगा बहुत अच्छा। अब हम इसमें करेंगे अपनी वेजिटेबल्स ऐड। हम डाल देंगे इसमें पीस, आप डाल देंगे टमाटो, कैरेट, और अब हम डाल देंगे पम्पकिन, पेठा, और इसे कड़छी की सहायता से अच्छे से स्टर कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ गिलास पानी। हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे। देखिए अब इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। आप चाहे तो बाद में ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो अभी ऐड कर दें थोड़ा सा सॉल्ट। लगभग 1 गिलास पानी ही चलेगा इसमें, ज्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो सारी वेजिटेबल्स पानी पानी हो जाएंगी। मैं अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। और याद रखिए जब तड़कने लगे तो इस नमक का भी ध्यान रखिए कि आपने पहले भी नमक ऐड कर रखा है। और हम अपना कुकर कर देते हैं बंद 3 सीटी आने तक। और इसे हम कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे। चलिए अब हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। चलिए देखिए अब हमारी आई है तड़के की बारी। तो तड़के के लिए हमने लिए हैं 3 टमाटर, 2 प्याज, अदरक, लहसुन, और ये लिया है हमने 2 हरी मिर्च, और ये हमने लिया है कॉलीफ्लावर, गोभी लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से वॉश करके, और ये है हमारे बॉइल्ड आलू। अगर आप आलू बॉइल्ड सब्जियों में डालना चाहें तो वो सीधे भी कट करके डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी पाव भाजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, अब हमारी सब्जी पक चुकी है बिल्कुल अच्छे से। देखिए रेडी हो चुकी है हमारी सब्जी, और अब हम इसे मैश कर लेंगे।
करछी से ही। देखिए अब हमारी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं और अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। चलिए अब हम आपको पाव भाजी का एक फैक्ट बताते हैं। इसका आविष्कार हुआ था सन 1860 में, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए से बहुत ज्यादा डिमांड आने लग गई थी कपास की, और जो मुंबई में कपास की फैक्ट्री थी वहां पे मजदूरों को ज्यादा काम करना पड़ता था, डबल डबल शिफ्ट करनी पड़ती थी, और इससे उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिलता था। रात के टाइम लेट जाने की वजह से वो खाना नहीं खा पाते थे, तो इसलिए वहाँ के लोगों की कार्य क्षमता कम होने लगी मजदूरों की। तो इस वजह से वहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स को कहा गया कि मजदूरों के लिए कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वाली हो, इसलिए वहाँ के वेंडर्स ने इस रेसिपी का आविष्कार किया। चलिए बनाते हैं हम अपनी रेसिपी। पाव भाजी का तड़का रेडी करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें घी, और फिर अब हमारा जाएगा मक्खन, वहां के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने जो दिन की बची हुई सब्जियां होती थी ना उनको इकट्ठा करके उसमें कुछ मसालों का ऐड किया और कुछ मक्खन मिलाया उसमें, और बन गई हमारी पाव भाजी। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा, जीरा डाल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, लहसुन हम डाल रहे हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से सोते। पाव भाजी के बारे में ये कहा जाता है कि इसे धीरे धीरे पकाया जाए, जितना इसे धीरे धीरे पकाया जाएगा उतना अच्छा टेस्ट इसके अंदर आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो, अब हम इसमें टमाटो को गलाने के लिए डालेंगे नमक अपने स्वाद के टेस्ट के अकॉर्डिंग, और याद रखेंगे कि हमने पहले बॉइल्ड वेजिटेबल्स में भी नमक ऐड किया था, और हमारा बटर भी है वो नमकीन होता है इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालेंगे। अब हम इसे देंगे ढक ताकि टमाटर अच्छे से जाए गल। इसे अब ढक देते हैं अच्छे से। हमारे सब्जियां पक चुकी हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी, लाल मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, और इसी के साथ जाएगा हमारा पाव भाजी मसाला, और अब हम इसमें ऐड करेंगे देगी मिर्च। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं देगी मिर्च, और अब हम इस कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी गोभी। और अब हम साथ में ही इसमें कर देंगे थोड़ा सा पानी ऐड ताकि हमारी गोभी अच्छे से गल जाए और मसाले भी अच्छे से रम जाएं।
अगर हम इसे ऐसे डालते हैं गोभी को तो एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है गोभी का और क्रंच आता है थोड़ा थोड़ा। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब इसमें ये जो गोभी का क्रंच बहुत अच्छा आएगा। हम गोभी को थोड़ा सा गलने देंगे, फिर हम इसमें करेंगे अपने मैश किए हुए आलू ऐड। हम इसे ढक देते हैं अच्छे से 5 मिनट के लिए। अब हम इसे स्लो आंच पे पकने देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए अब हमारा तड़का हो चुका है रेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैश किए हुए 3 पोटैटो, जिसको अब हम इसमें अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसको भी हम 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे इसी के अंदर, क्योंकि अगर हम इसे पकाएंगे नहीं तो अच्छे से ये बाइंड भी नहीं होगा और इसका टेस्ट भी इनहेंस नहीं होगा। आलू को अच्छे से पकाने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। देखिए अब हमारी पाव भाजी का मसाला कितना टेम्प्टिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टफुली लग रहा है। ना तो हमने ज्यादा सुखाना है और ना ही इसमें ज्यादा पानी रखना है। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी ताकि अच्छे से आलू में रम जाए मसाला। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसे रख देंगे हम 10 मिनट के लिए। ये कम से कम भी 8 से 10 लोग खा सकते हैं। ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए, अच्छे से रमने देंगे मसालों को आलू में। मसाला हो चुका है बिल्कुल रेडी। देखिए इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, काश मैं आपको स्मेल करवा सकती। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी बॉइल्ड वेजिटेबल्स। देखिए लग रही है ना ये बिल्कुल जबरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत टेम्प्टिंग, कितना सुंदर कलर आया इसका। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सब्जियों और वेजिटेबल्स टमाटर प्याज सब पीस के डाल देते हैं, जिससे ना सब्जियों का क्रंच बिल्कुल खत्म हो जाता है और बिल्कुल टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल फीकी फीकी सी लगती हैं। और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत टेम्प्टिंग लगेगी। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। इतने तक मैं करती हूँ अपने पाव की तैयारी। चलिए आइए करते हैं पाव की तैयारी। तो सबसे पहले हम मोस्ट कर लेंगे ऑयल से, घी से। आप चाहे तो इस पूरी रेसिपी में घी, देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको मक्खन पसंद है तो मक्खन का यूज़ कीजिए। देखिए अब मैंने अच्छे से यहाँ पे घी फैला दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मक्खन और अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया और इसके साथ ही हम डालेंगे अपनी थोड़ी सी वेज, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल देते हैं हम और अब हम इसे कर देते हैं पाव के साथ मिक्स। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे अगर आपको नॉर्मल ब्रेड पसंद है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। इसमें तक हम करते हैं अपनी कटोरी की रेडी। अब हम करते हैं इसकी सर्विस की तैयारी, प्लेटिंग करते हैं हम अपनी रेडी। देखिए अब हमारी भाजी हो चुकी है रेडी। ना तो ये ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा पतली है, ये जो मॉइस्चर है इसके अंदर अच्छे से है, ताकि जो पाव है वो अच्छा लगे हमें इसके साथ खाने में। और हम इसमें डाल लेते हैं अपनी
भाजी और ऊपर से डालेंगे हम थोड़े से ओनियन, कटे हुए ओनियन, और डाल लेते हैं हरा धनिया, और यहाँ पे रख लेते हैं हम अपने पाव जो हमने अभी रेडी किए हैं, और ये है हमारा नींबू का स्लाइस, और ऊपर से डाल लेते हैं हम बटर। ये हमारी रेडी हो चुकी है पाव भाजी। पारी है इसके टेस्ट की। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन, नींबू का रस, और अच्छे से इसे कर लेंगे मिक्स, और अब हम इसको करेंगे टेस्ट और देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा आया है। ये अब टेस्ट करते हैं। ये तो बाजार से भी बहुत टेस्टी बनी है हमारी घर की पाव भाजी। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी, ये बहुत अच्छी बनी है हमारी ये पाव भाजी। अगर आप भी इसे बना के देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इस तरह से एक बार रेसिपी बनाएंगे पाव भाजी की तो दोबारा भी इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए बाय 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 टाटा सी यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। बाय।